अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो एवरीवन, आज है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है 8:30 और अभी मैं जा रही थी दूध बॉईल करने। मैं अभी फ्रेश को वॉश कर जाऊँ। मैं अभी जा रही थी दूध बॉईल करने और वहाँ पे मैं आज निकालूँगी मलाई। तो दूध से मोटी मलाई किस तरह निकालते हैं वो मैं आपको फर्स्ट शेयर करूँगी। तो चलिए मैं दूध को बॉईल करने के लिए जा रही हूँ। अभी मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, मैं ब्रेकफास्ट के बाद बनाऊँगी। दूध को पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने दूध, और दूध को मैं छलने से अक्सर छान लेती हूँ। और दूध डालने से पहले, मेरा पिछले का वीडियो देखिएगा कि हाउ टू बॉयल मिल्क, तो मैं दूध डालने से पहले इसमें थोड़ा पानी डाल लेती हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये डायरेक्ट इसमें चिपकता नहीं है और साफ़ करने में ईजी होता है जब दूध ख़त्म हो जाता है तो। और मैं ये दूध मैं इसमें डाल लूँगी, इस छलने से मैं छान लेती हूँ हमेशा दूध। आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा, तो वो सब निकल जाता है। और इसमें मैं ले लूँगी पानी, थोड़ा ले लूंगी पानी। और इसे चढ़ा दूंगी बॉईल करने के लिए। इसे किस तरह बॉईल करना है, कितना बॉईल करना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी बाहर हो रही है बारिश, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। तो अभी बाहर हो रही है बारिश और मैं अभी जाऊंगी रोटी बनाने और आलू की पूरी। अभी मैं उसे उबल होने लेती हूँ। यहाँ पे उबल चुका है, इसे 5 मिनट उबलने दूंगी। और अभी मैंने बताया था कि रिमझिम बारिश हो रही है, अभी देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। मौसम काफी अच्छा हो गया है और इसे मैं उबलने देती हूँ 5 मिनट। 5 मिनट बाद जब उबल जाएगा और इसे कम्प्लीटली ठंडा करूँगी, मैं पूरी तरह अच्छे से ठंडा कर लूँगी और उसके बाद मैं उसे डाल लूँगी फ्रिज में। फ्रिज में डालने के बाद 5-6 घंटा बिल्कुल चिल्ड कूल होना चाहिए। उसके बाद किस तरह मलाई निकलता है वो मैं दिखाऊँगी। और अभी मैं बना रही थी रोटी, और चाय मेरी यहाँ पे उबल चुकी है और अब मैं ले लेती हूँ चाय। चाय के साथ मैंने बनाया है आलू की पूरी, तो चलिए फिर एंजॉय करते हैं आलू की पूरी और चाय इस बरसात के मौसम में। तो अभी बाई गई है घर को पोछ के, और जब भी ये पोछती है तो सारे पौधों को इधर से उधर करके रख देती है, सही जगह पे बिल्कुल नहीं रखती। ये मुझे मेरा काम हो जाता है उसको सीधा करना। ये दोनों बाथरूम है, और दोनों बाथरूम का सेम मैंने रखा है मैट, और
ये मैं झाड़ू खुद देती हूँ, मैं जब भी झाड़ू देती हूँ ये सारे चीज मैं ऊपर कर देती हूँ। क्या होता है पोछा बिल्कुल वो सही लगाती नहीं है, तो सबको मैं कर देती हूँ अरेंज। ये मेरे बेटे का स्टडी टेबल है, दोनों बच्चे के बुक्स यहीं पे हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह मैंने इसको अरेंज किया है और किस तरह इसके दीवार पे से हैंग किया है, ये सारे इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी अभी। और मैंने सुबह आपको बताया था कि मैंने किया दूध को बॉयल, और बॉयल करने के बाद ठंडा होने के लिए मैं रख दी थी। चलिए देखते हैं ठंडा हुआ कि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। इसके ऊपर हल्की मलाई आई है बट उतनी अच्छी सी नहीं आई है। इसको अभी हम डाल देंगे फ्रिज में। मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में दूध, तो फ्रिज कैसे खुलेगा इसके लिए मैं पहले से कर लेती हूँ। फ्रिज को खोल लेती हूँ और इसको रख दूंगी यहाँ पे। अगर आप चाहें तो ऐसे खुला ही रखिए, या फिर आपको लगता है ढक्कन लगाना तो हल्का सा खोल के ढक्कन लगा दीजिए, बस इतना ओपन रहना चाहिए। आई होप आपको दिख रहा होगा, इतना ओपन रहना चाहिए। इसको मैं 6 घंटे मैं इसको छोड़ दूंगी। और अभी बाई गई है सारा बर्तन धो के, और यहाँ पे है चावल। इसको मैं आधे घंटे पहले भिगो के रख ली थी और अब मैं इसे 2 बार वॉश करूँगी और इसके बाद मैं इसे चढ़ा दूँगी, क्योंकि अभी बज गए हैं 12 और मेरे बेटे आने का टाइम आ गया है। इससे पहले मैं फटाफट इसमें चढ़ा दूँगी। इससे क्या होता है कि गरम गरम चावल खाने को मिल जाता है। एक में पीने का पानी होता है, तो पीने के पानी से भी मैं चावल और दाल भिगोती हूँ, और ये 4 लेवल तक आएगा, इतना ही पानी भरना है मुझे। बस हो गया। कर दिया मैंने इसे ऑन, और यहाँ ये है लिविंग रूम। लिविंग रूम के बीचों बीच मैं एक रखती हूँ मैट, क्योंकि बारिश का टाइम है, कभी भी इधर से उधर से गंदा आ ही जाता है, तो हर जगह मैट रखना ज़रूरी होता है। इससे घर पूरा क्लीन रहता है, और कहीं पे भी अगर डस्ट पैर में लगा तो आप तुरंत पोंछ सकते हैं। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। और अभी मैंने किया है एक वीडियो अपलोड, वो मॉप के ऊपर है, ज़रूर देखिएगा। बस अभी मैं रात में आपसे मिलती हूँ, और रात ही हो जाएगा क्योंकि 6 से 7 घंटे में रात ही हो जाएगा, तो उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने मलाई कैसे जमाया और कैसे निकाला और कितना निकला। तो यहाँ पे चावल हो गया है रेडी। इस तरह मैं बनाती हूँ राइस कुकर में। सब्जी भी बन के तैयार हो गई है, और अभी मैं जा रही हूँ दाल का तड़का लगाने। मैंने इसमें हल्दी मिर्च और नमक डाल के उसे बॉईल कर लिया था, और इससे मैं इसको घोट लेती हूँ, इसे घोटना कहते हैं, उसे घोट लिया था। और मैं जाऊँगी तड़का लगाने, तो मैं जब तड़का लगाने जा रही थी तो मुझे लगा मैं दिखाती हूँ आपको मैं किस तरह तड़का लगाती हूँ। मैं सारा सामान यहाँ पर लेके आ गई हूँ, तो मैं 1 बाय 1 करके लगाती हूँ तड़का। इसमें है थोड़ा सा पानी, तो पानी को मैं पोंछ लेती हूँ, और इसमें डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मैं मोस्टली टाइम मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। सिर्फ पूरी या किसी चीज़ को मुझे फ्राई करना है, सिर्फ उसमें मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तड़का के लिए ले लिया है हींग,
और कड़ी पत्ता। जब मैं अपने बेटे को छोड़ने जाती हूँ तो पीछे में ही कड़ी पत्ता का पेड़ है, तो मैं जब डेली जाती हूँ और डेली मैं फ्रेश तोड़ के लाती हूँ, वही मैं यूज़ करती हूँ तड़के के लिए। तो यहाँ पे है कड़ी पत्ता और लहसुन और ज़ीरा और ये है लाल मिर्च। तो इन सब चीज़ों को मिला के मैं दाल में लगाऊंगी तड़का। तो तेल हो गया गरम, तो थोड़ा सा डालते हैं हींग के बाद लहसुन, साथ में जीरा भी डाल देंगे। लहसुन को होने देते हैं थोड़ा लाल, जब वो लाल होगा तो वो अपना फ्लेवर छोड़ेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लाल होने देती हूँ। इसके बाद डालूंगी लाल मिर्च और ढेर सारा कड़ी पत्ता। संभल के मैंने सारा कड़ी पत्ता डाल दिया है और कर दूंगी इसको मिक्स। ये तड़का डालते ही आप ढक्कन लगा दीजिएगा तो वो फ्लेवर उड़ेगा नहीं, तो मैं ऐसा ही करती हूँ और फ्लेम को कर देती हूँ बंद और ये तड़का को डाल देती हूँ और इसको ढक्कन। तो इस तरह मैं लगाती हूँ दाल में तड़का और जो इसका लहसुन ज़ीरा का जो फ्लेवर आता है अमेजिंग, दाल चावल का टेस्ट बढ़ जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी हो गए हैं शाम और बाहर होने लग गया है अंधेरा, मैं लाइट लगा लेती हूँ और शाम होती ही मैं सारे दरवाजे बंद कर देती हूँ क्योंकि मच्छर आने का मेन टाइम यही होता है। और मैं सुबह दिखाया था मैंने दूध बॉईल किया और उसको फ्रिज में डाल दिया था, वो मैं दिखाऊंगी कि कितनी मोटी मलाई जमी है। तो आइए फिर देखते हैं मलाई जमी है कि नहीं मेरी ट्रिक से। चम्मच से करके दिखाते हैं, ये देखिए कितनी मोटी मलाई जमी है, दिख रहा है? इसको निकालूंगी अच्छा से तो ये बहुत मोटा मोटी मलाई जमी है। तो इस ट्रिक से दूध जमाइए तो काफ़ी मोटी मलाई जमती है और फिर घी निकालने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो मैंने बताया था ना कि सुबह से शाम हो जाएगी और अभी बज गए हैं 7:30 और अब अंधेरा भी हो रहा है, तो चलिए मैं इसे फटाफट निकालती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी बच्चों को लाने के लिए आज और उसके बाद मैं आके बनाऊँगी डिनर। तो चलिए फटाफट से मैं बनाई।